अक्वामे मुत्तहिदा की एजेंसी बराए खवातीन ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को खवातीन के लिए दुनिया की महफूज तरीन फजाई कंपनी करार दे दिया। यूएन वेमेन एजेंसी ने खवातीन को महफूज सफर की सहूलियात फराहम करने पर पीआईए के इकदाम का एतराफ़ करते हुए उसे दुनिया की पहली महफूज तरीन एयरलाइन करार दिया है। पीआईए, यूएन वेमेन एजेंसी और वफाकी मोहतसब बराए हरासानी के दरमियान मुआहदा तय पा गया, जिस पर पीआईए के सीईओ अरशद मलिक, यूएन वेमेन एजेंसी की सरबराह शर्मिला रसूल और कश्माला तारिक ने दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक पीआईए हरासगी रोकने के लिए यूएन के प्रोग्राम में शामिल होगा। हवाई अड्डों और परवाजों में हरासगी के वाकयात की रोकथाम के लिए पीआईए और वफाकी मोहतसब मिलकर कानूनी चाराजोई करेंगे। पीआईए के सीईओ अरशद मलिक ने कहा कि अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से पीआईए का इंतखाब इंतजामिया और पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है। उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट समेत पीआईए के ऑफिसेज में भी खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है। अक्वामे मुत्तहिदा की एजेंसी बराए खवातीन की सरबराह शर्मिला रसूल ने कहा कि खवातीन को महफूज माहौल फराहम करने से मुल्क तरक्की करेगा, जबकि कश्माला तारिक ने कहा कि हरासगी करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए सरगर्म रहेंगे। यूएन एजेंसी बराए खवातीन ने एतराफ़ किया कि पीआईए ने खवातीन को महफूज सफर फराहम करने के लिए सरकारी तौर पर इकदाम किए। मुआहदे के बाद अब पीआईए अपने दफातर, हवाई अड्डों और जहाज़ों में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए शऊर उजागर करेगा।